अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं यूवी रिएक्शन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं रिएक्शन करने वाला हूं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की एक वीडियो के ऊपर, जो कि हिदायत पोर्टल से है। और इसमें इसका जो सा टाइटल है वो है कि अल्लाह का तारुफ इन कुरान। तो आए देखते हैं कि अल्लाह ताला का तारुफ कुरान पाक में किस तरह से है। और वैसे तो अल्लाह ताला जो मुसलमान है वो तो अल्लाह ताला के बारे में जानते हैं, और इस चीज़ को देखते हैं कि ये इंजीनियर समझो सा है, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि उनके पास नॉलेज है, और उसके बाद जो सा स्पीकिंग पावर बहुत अच्छी है उनकी, और इसके बाद जो सा वो चीज़ों को काफ़ी अच्छा एलैबोरेट कर लेते हैं। तो इसमें यह है कि वो कुरान पाक से जो सा हवाले देंगे अल्लाह ताला के बारे में, और अल्लाह ताला की सिफात होंगी, अल्लाह ताला के नाम होंगे। क्योंकि बी ऑनेस्ट, अगर मैं आपको बताऊँ तो मैंने ये वीडियो को नहीं देखा, फ़र्स्ट टाइम देखने लगा हूँ। और मैं कह रहा था कि अकेले देखने से बेहतर है कि आप सबके साथ देखता हूँ। तो चलें आए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की इस वीडियो को, जिसका टाइटल है अल्लाह ताला का तारुफ इन कुरान। तो आए जी फिर शुरू करते हैं। इन्नल्लज़ीन कफरू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर इख्तियार किया, सवाउन अलैहिम, उनके लिए तो बराबर है। अच्छा, अनज़रतहुम, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको आखिरत का डर सुनाएं, अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें आखिरत का डर ना सुनाएं, उनके लिए बराबर है, ला युमिनून, वो ईमान नहीं लेकर आएंगे। अच्छा, इसका यह मतलब नहीं है कि जो काफिर है उसको आपने तबलीग नहीं करनी है। तो ये किताब हदायत पूरी इंसानियत के लिए, इसमें इम्प्लाइड है इन्नल्लज़ीन कफरू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर इख्तियार किया है, जानबूझ की आंखें बंद की हुई हैं, जिसको डॉक्टर इसरार साहब रहिमहुल्लाह ताला बड़ी प्यारी बात करते थे कि जो शख्स सोया हुआ है उसको तो आप जगा सकते हैं, और जो आंखें बंद करके लेटा हुआ है उसको कोई नहीं उठा सकता, क्योंकि वो पहले ही जाग रहा है, जागना चाहता नहीं है। तो ऐसा शख्स जिसके ऊपर हक और बातिल वाजे हो चुका हो, उसके बावजूद वो जानबूझ के कुफर की रविश इख्तियार करे, उसके लिए कुरान में कोई हदायत नहीं जगा। ये बड़ा खतरनाक है। तो इससे मुराद वो काफिर है कि जो हक जानने के बावजूद जानबूझ के अपनी कबीले की हिमायत के अंदर, अपने नस्ली तासुब के अंदर, या जेलसी फैक्टर की वजह से, जिस तरह यहूदी थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने से इनकार कर दिया, वो सब के सब इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। उनके लिए अब आप उनको तबलीग करें ना करें, उनके लिए बराबर है, वो ईमान नहीं लेकर आएंगे। खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी है, सील कर दिया है, यानी सील हो गई, अब कोई चीज उसके अंदर दाखिल नहीं हो सकती। जिनको मोहर लग जाए वो अला समईहिम, और उनके कानों पर भी, वाला अबसारिहिम, और उनकी आंखों पर भी, गिशावतुन, पर्दा पड़ चुका है, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब तैयार कर रखा है अल्लाह ने। वरियाउज़ु बिल्लाहि तआला, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अच्छा, कुरान का तालिबे इल्म जब इस तरह की आयत पढ़ता है ना, तो वो परेशान हो जाता है कि भाई कुरान तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और आप देख रहे हैं कि अल्लाह ताला के मिजाज में वो चीजें नहीं है जो आपको मीठे मीठे वाइजीन बताते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ किताबों का खुदा और है और बाबों का खुदा और। कुरान बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तारिक जमील की बात होगी, क्योंकि ये कलाम करने वाला कौन है? अल्लाह बेपरवाह है, और वो इसी पैशन के साथ बात करेगा तो आप भी अल्लाह को सीरियस लेंगे ना। ऐसी है अल्लाह ताला को। और अगर आपको ये कहानी कराई जाएगी, खैर है, एक जैसे एक नानी माँ होती हैं, एक दादी माँ होती हैं, तो अल्लाह ताला तो नानी और दादी से भी बढ़ के रहम करने वाला है। ये कहानी बहुत से लोग, ये किस आयत में, किस हदीस में लिखी हुई है ये बात? और मैं इसको फिर एंटी वैनम इल्जामी जवाब के तौर पर, फकी के तौर पर कहता हूं कि अगर ये नानी दादी और माँ के साथ आप अल्लाह को तशबीह दे रहे हैं, उसकी मोहब्बत को, तो क्या ये नानी दादी और माँ वाली मोहब्बत अल्लाह ताला की अबू जहल और फिरौन के साथ भी है? नहीं। तो सारे कहेंगे नहीं। तो जो कलमा पढ़ के अल्लाह के नाफरमान और बागी है उनके साथ भी है? नहीं। जो अल्लाह की तरफ रुजू ले आए उनके लिए। पूरे कुरान में एक आयत भी ऐसी नहीं है कि जो अल्लाह का बागी हो, रुजू न लाने वाला हो, अल्लाह कहता हूं मैं उसको माफ करने वाला हूं।
हमेशा ये है कि जो तौबा कर ले, अपनी इस्लाह कर ले, रुजू ले आए। ये दर्जनों आयत हैं, वो वक्त के साथ आएंगी, वरना तो मैं इसी आयत के ऊपर ही पूरा ये लेक्चर खत्म कर दूंगा। फिर आपका वो ये मुसफ तो पिछला तो 9 साल में खत्म हुआ है, ये 18 साल में भी खत्म नहीं होना। लेकिन जनरल मैं बात जरूर करूंगा ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि जो बातें बताई गई हैं बिल्कुल नॉनसेंस बातें हैं, इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इस्लाम के अंदर। एक मेरा यूट्यूब पे क्लिप भी है, अल्लाह की रहमत से धोखा, वो आप क्लिप देखे, मैंने उस पर क्रॉस रेफरेंस के तौर पर कई आयात पेश की है कि आपको बिल्कुल कहानी कराई गई है। अल्लाह ताला अपने मामलात में बहुत सख्त है। अच्छा, इसकी वजह से बाल लोगों के दिमाग में यह भी आ जाता है कि यार अल्लाह ताला देखो मोर लगा देता है, नाउज़ बिल्ला, अल्लाह ताला की अप्रोच बड़ी कोई फनेटिक वाली है, नाउज़ बिल्ला। ऐसा नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो जान बूझ के हक से इनाद करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला के गजब का कोड़ा उन पर पड़ता है कि यार इनको बात समझ भी आ गई थी, इसके बावजूद इन्होंने ये किया है, अब मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, अब इनके अंदर हदायत दाखिल भी नहीं हो सकेगी। ये बहुत यानी इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अब इस पे अल्लाह ताला को कोई पूछ नहीं सकता, इसको अल्लाह ने बैन किया है। अल्लाह को कोई नहीं पूछ सकता, ला युसअलु अम्मा यफअल वहुम युसअलून। अल्लाह को कोई नहीं पूछ सकता उसने कोई काम क्यों किया, अल्लाह हर एक को पूछ सकता है, अल्लाह सबको जिसको चाहे। ये अल्लाह को गिला नहीं किया जा सकता, रब है, मालिक है, उसने अपने लिए रूल तय किया है कि भाई जब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे कोई बंदा पहुंचेगा, सच्चाई कबूल करने के बावजूद वो हक से इनाद करेगा, उसको नजर आ जाएगी सच्चाई है, फिर भी वो इनाद कर देगा, फिर मैं मौत लगा दूंगा। आओ फिर वक्त का पैगंबर भी उसको हिदायत नहीं दे सकता। इन्नक ला तहदी मन अहबबत वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। ऐ नबी, जिससे तुम मोहब्बत करते हो तुम भी उसे हिदायत नहीं दे सकते, अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है। हिदायत किसको देता है? वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। जो लोग हमारी राह में कोशिश करेंगे उनके लिए हम अपनी राहें खोलेंगे। ऐसी जो कोशिश करता है उसके लिए खोलता रहा। इस कायनात की सबसे इलीट चीज ईमान है, जिसके ऊपर हमेशा की कामयाबियों और नाकामियों का फैसला होने वाला है। तो आप क्या समझते हैं कि आपको ये राह चलते फुटपाथ पे गिरी पड़ी मिल जाएगी? इसके लिए कोई एफर्ट पुट नहीं करनी पड़ेगी। यही तो फर्क है, दुनिया में जिस चीज की मनफियत चंद सालों के लिए हो वो भी इतनी एफर्ट पुट करने के बाद मिलती है, और जिससे हमेशा की कामयाबी आपका मुकद्दर होने वाली है, आप समझते हैं कि वो आपको चुंगे जी लग जाएगी, मुफ्त में मिल जाएगी? नहीं, नॉट एट ऑल। मेरी वाइफ ने जब पहली दफा कुरान पढ़ा ना शादी के बाद, मैंने उसको एक कुरान क्लास होती थी रमजान शरीफ में, तो मैंने कहा मैं बच्चे वगैरह मैं देखूंगा, तुम ना सिर्फ एक दफा कुरान पढ़ लो ताकि तुम्हें पता चले कुरान में लिखा क्या हुआ है। कुरान आप अकेले बैठ के तो जाहिर है उस तरह नहीं है, एक माहौल होता है, एक डेकोरम है, क्लास है, जिस तरह यहाँ लोग बैठे। तो रमजान में पूरा कुरान उसने मुकम्मल किया ना, तो मैंने उससे पूछा तुमने क्या यानी इससे हासिल किया? उसने कहा अल्लाह बहुत सख्त है, और जिस खुदा का तारुफ हमें हमारे माँ बाप और ये मुआशरा करवाता है वो खुदा नहीं है जो कुरान में है। अपने अल्लाह तो अपने मामलात में बहुत सख्त है। ये किताबें इंतजार है, तबशीर और बिशारत उनके लिए जो बात मानते हैं, जो नहीं मानते हैं उनके लिए अजाब का कोड़ा है ये किताब, क्योंकि अल्लाह है ना। ये कायनात उसने इसलिए बनाई है कि आप जानवरों की तरह खाएं पिएं, औलाद पैदा करें और मर जाए। इंसान को उसने अपने लिए पैदा किया, पूरी कायनात इंसान के लिए और इंसान को अपने लिए। वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। अच्छा, ये जो बात है ना, खत्म अल्लाह अला कुलूबिहिम व अला समईहिम व अला अबसारिहिम, मोर लगा दी उनके दिलों पर, कानों पर, आंखों पर, पर्दा डाल दिया, अब अजाब ही उनको आएगा। ये आपने अगर बात समझनी है ना तो आप पारा नंबर 7 के आखिरी सफे पे आ जाइए, सूरतुल अनाम में आयत नंबर है 110, सातवें पारे की आखिरी आयत, आपके ये ब्लू वाले कुरान में 142 नंबर पेज की आखिरी आयत 110 नंबर। وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ, हम फेर देते हैं उनके दिलों को और उनकी आंखों को, अकल और उनकी आंखों को, कि वो हक बात कबूल ना करें। हक से अल्लाह फरमाता है कि मैं उनको हक से अंधा कर देता हूं। कमा लम युमिनु बिही अव्वला मर्रा, जिस तरह के इन्होंने भी तो पहली दफा जब इनके ऊपर हक खुला था, इन्होंने ईमान लाने से रू गर्दानी की थी ना, अब ये चाहेंगे भी ना तो मैं इनको इस्लाम की तरफ नहीं आने दूं। वह नजर हुम फी तुगयानिहिम यामहून,
और मैं इनको छोड़ दूंगा अपनी सरकशी में भटकते फिरे। वलौ अन्ना नज़लना इलैहिमुल मलाइका, और अब अगर फरिश्ते भी इनके सामने नाजिल हो, वकल्लमहुमुल मौता, और मुर्दे कब्रों से निकल के इनके साथ बात करना शुरू कर दे, वहशरना अलैहिम कुल शैइन कुबुला, और हर चीज जिनका इनसे वादा किया था इनकी आंखों के सामने आ जाए, क्यामत भी, अजाब भी, सब कुछ भी, मां कानून युग्मिनु, फिर भी ईमान नहीं लेके। ये है सर किताबों का खुदा, ये नानी अम्मा, दादी अम्मा और मामा नहीं है, ये अल्लाह है। कितनी सख्ती है कि फरिश्ते भी, आप मुझे बताएं किसी से मुर्दा निकल के कब्र से कहे कि मेरी तो पैंटी लग गई है, आपको तो पूरी जिंदगी नींद नहीं आनी है, लेकिन अल्लाह फरमा रहा है फिर भी ये मान नहीं लेके आएंगे, कर लो जो कर, ये अल्लाह कह रहा है। इसको ज़्यादा पता है। आमीन। इल्ला इंशाअल्लाह, हाँ अगर अल्लाह ही चाहे जबरदस्ती किसी को इस तरीके से हिदायत दे तो वो अलग बात है। वलाकिन अक्सरहुम यजहलून, लेकिन अक्सर लोग जहालत का शिकार है, वो अपनी विशफुल थिंकिंग के अंदर, अमानी युहुम जिन्हें कहा गया, वो उनमें फिर रहे फिरते रहे। अल्लाह ताला अपने मामलात में बहुत सख्त है मेरे भाइयों, अल्लाह को सीरियस लेने की जरूरत है। जाहिर है इस कायनात की एक ही हकीकत है, वो अल्लाह है, अगर उसको कोई सीरियस नहीं लेता तो अल्लाह ताला के लिए क्या है, उसको तो इंसानों की जरूरत नहीं है। वो तो अपने नबी से 3 दफा कुरान में कहलवा रहा है, قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم, اے نبی تم فرما دو کہ بالفرض اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے خود اس بات کا ڈر لگا ہے کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ جی سورۃ الانام, سورہ یونس, سورہ الزمر, 3 سورتوں میں یہ ایک آیت 3 دفعہ آئی ہے۔ आप मुझे बताएं जो आपको कहते हैं जनाब हम बख्शवा लेंगे, हम अपने मरीदों को ले जाएंगे, और तो खंगन नहीं देना किसी ने, होते इनका अपना भी पता नहीं, बताएगा नहीं पता। तो ये इसलिए कि ना इन्होंने खुद कुरान पढ़ा हुआ है और ना आपको पढ़ने देंगे, वरना आपका दिमाग खुल जाए। ओ जी गॉड इज ऑल लविंग, ये क्रिश्चियंस ने भी एक धोखा दिया है ना, गॉड इज ऑल लविंग, तो मैंने उनको भी फकी दी थी कि अगर गॉड इज ऑल लविंग है, और वो ऑल लविंग का कॉन्सेप्ट सूफिया के हाँ इधर मुसलमानों में भी दाखिल हुआ, वो जी अल्लाह, तो अल्लाह को हमारी नमाजें चाहिए, और सर अल्लाह ने कब कहे मुझे तुम्हारी नमाजें चाहिए, अल्लाह कहता है तुम्हें तुम्हारे लिए नमाजें चाहिए, अल्लाह के लिए नहीं अपने लिए, इंसान को अपने लिए गॉड इज ऑल लविंग चाहिए, वो ऑल लविंग उसके लिए है जो उसका बंदा बन जाएगा, बागी के लिए नहीं। तो फिर मैंने इनको दुनियावी तौर पर एक इल्जामी जवाब एंटी वेनम फकी दिया कि बताओ तुम्हारे दुश्मन की भी बीवी हो अगर कोई और उसके छोटे छोटे 4 बच्चे हो, क्या तुम अपने दुश्मन के लिए ख्वाहिश रखोगे कि उसकी बीवी छोटे छोटे 4 बच्चे छोड़ के मर जाए और उसके बच्चे सौतेली मां के हाथों पिटते रहे, उनके मेंटल मॉडल्स तक बदल जाए? सारे कहेंगे नहीं नहीं जी, क्यों नहीं, दिल पसीजता है। अच्छा आपका दिल पसीजता है और आपने हमें यह कहानी कराई है कि अल्लाह ताला मां से इतने गुना और दादी से इतने गुना और नानी से इतने गुना मोहब्बत करता है, तो वो अल्लाह रोजाना हजारों ऐसी औरतों को मौत क्यों देता है जिनके 4 छोटे छोटे बच्चे होते हैं? इस पे सारों की जुबानें गुंग हो जाती हैं। अगर वो ऑल लविंग है क्यों मौत देता है? आप तो अपने दुश्मन की बीवी को भी मौत ना दें, वो रोजाना हजारों ऐसी माओं को मौत क्यों देता है जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं? इसका मतलब है आपने जो एहसास डेवलप किए हुए हैं कि अल्लाह अपने बंदों के साथ ये करता है, वो नहीं है। अल्लाह अपने एहसास का असीर नहीं है, अल्लाह के वो जज्बात नहीं है जो आपके होते हैं, इंसानों के बेपरवाह, बेपरवाह। हाँ जो उसका हो जाए ना उसके लिए मामला अलग है। वो सही बुखारी में हदीस है कि जिसने मेरे वली के साथ दुश्मनी की मेरा ऐलान जंग है उसके खिलाफ, और इंसान मेरा कुर्ब नहीं हासिल करता मगर फराइज के जरिए और नवाफिल पे इस्तकामत के जरिए इस लेवल पे पहुंच जाता है कि मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसके पांव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। अच्छा इधर ही दीस रोक देते हैं सूफिया और वो कहते हैं वो खुद ही खुदा बन गया, एथू हथ पाएगा एंजो हो जाएगा। वो आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ है, वो जब अपने दुश्मन के अगेंस्ट मुझसे पनाह तलब करता है मैं उसे पनाह अता करता हूँ। अगर वो अल्लाह ही से पनाह तलब कर रहा है तो वो फिर हाथ मारने जोगा तो ना, ये हाथ बन जाता हूँ, पांव बन जाता हूँ, कान बन जाता हूँ, इससे मुराद ये कि उसका ओढ़ना बिछोना फिर मैं ही बन जाता हूँ। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अभी तुम फरमा दो
बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह के लिए, बेशक ओढ़ना बिछोना अल्लाह बन जाता है। उस हदीस के आगे अल्फाज हैं, अल्लाह तआला आता है, मुझे कभी किसी मामले में हिचकिचाहट नहीं होती सवाए एक मामले के, कि जब मुझे अपने किसी मोमिन बंदे को मौत देनी पड़ती है। अल्लाह कहता है मैं भी इस पे रिलेक्टेड होता हूं, क्यों? मेरा बंदा मौत को ना पसंद करता। जाहिर है मौत तो किसी को भी पसंद नहीं है, किसी को पसंद नहीं। इंसान जिंदा रहना चाहता है, और ये अल्लाह ने इंसान की क्वालिटी रखी है कि उसे जिंदा रहने की ख्वाहिश है। इसीलिए औलिया अल्लाह भी जब खिताब कर रहे हो ना, वहां पे स्पीकर फट जाए तो वो भी यूं कर जाते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, याज़नून। क्यों करते हैं? ये नेचुरल अल्लाह रखा हुआ है। मौत से तो सबको डर लगता है। किसी औलिया अल्लाह को कहे ना, ये सामने ये भट्ट साहब के पास जो बंदूक बड़ी खतरनाक सी इन्होंने तानी भी है, किसी औलिया अल्लाह को कहे ना पढ़ ले कलमा में चलान लगाओ, तो आप देख ले उसकी क्या हालत होगी। ये अल्लाह ने नेचुरल रखा हुआ है। मौत तो अल्लाह फरमाता है कि मैं भी रिलेक्टेड होता हूं, वो अपनी मौत को नापसंद कर रहा होता है और मैं उसे मौत दे के अपने पास लाना चाहता हूं। फिर क्या होता है? फिर तो वो कुरान पाक में सूरह आमीन में सजदा में आया ना कि ऐसे लोगों में फिर फरिश्ते नाजिल होते हैं, उनको बिशारत देते हैं मौत के वक्त। और फिर सुन अबी दाऊद में, सुन निसाई में बड़ी डिटेल्ड अहदीस है कि जब ईमान वाले की मौत का वक्त करीब आता है तो बकायदा उसको अमादा किया जाता है कि वो खुद कह के मैं मर रहा है। वो जब सब कुछ देखता है वो कहता है ठीक है जान दो, पहले नहीं कहता जान दो। बड़ा मुश्किल काम है। पहले कहना अगर जान दो तो हजरत मूसा अलैहि सलाम थप्पड़ क्यों मारते हैं इजराइल को? मेरा वो भी क्लिप चढ़ा है ना बुखारी मुस्लिम में। तो ये बहुत सेंसिटिव इशू है। अल्लाह ताला के बारे में आप अपने दिमाग खोल लें, या आप वो किताब खोल रहे हैं जो बाबों की लिखी हुई नहीं है किताब, ये अल्लाह की नाजिल करदा किताब है, इसको इसी तरीके से समझना है। शुरू में ही आपका कांटा निकल जाएगा तो आपको आगे कुरान समझना आसान होगा। अल्लाह के मिजाज को समझना है आपने, और ये दिमाग में बात तय कर लेनी है कि बाबों का खुदा और है और किताबों का खुदा और। ये आप जो पढ़ रहे हैं ना, ये वो खुदा है जिसका तारुफ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको करवाया, ये वो खुदा है जिसका तारुफ पैगंबरों ने करवाया और पैगंबरों ने उन किताबों के जरिए करवाया जो अल्लाह ने उन पर नाजिल की थी। ये मौलाना रूम के मसनवी शरीफ वाला खुदा नहीं है, ये कुरान शरीफ वाला खुदा है। वो कहते हैं वो मसनवी मौलाना रूम जो है वो फारसी का कुरान है। अस्तग़फिरुल्लाह तौबिली, एड्डियां कहानियां, एड्डे झूठ, इतनी अंबिया की गुस्ताखाना वाकयात उसके अंदर है और उसको कहते हैं फारसी का कुरान। वाकई है सर, फारसी का कुरान वही होगा जो कुरान का तर्जमा फारसी में शाह वलीउल्लाह देहलवी ने किया हुआ है, बाकी वो कहानियां लिखता रहे वो कुरान नहीं बनता। तो ये सारी मैंने गुफ्तगू शुरू में ही कांटा निकाल दिया। अच्छा जी, बहुत जल्दी वीडियो खत्म हो गई, वीडियो का पता ही नहीं चला कि इतनी जल्दी खत्म हो गई। और वाकई यार बहुत दिक्कत बड़ी एजेंसी है उन्होंने बताया, और हमारा अलमी है कि अभी ये रिसेंटली एक दो दिन पीछे मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी और वो भी यही बात कर रहा था कि अल्लाह ताला जो है वो 70 माह जितना प्यार करता है अपने बंदे से, तो ये वो, तो उसमें वही बात मैं तब भी यही बात कर रहा था कि अल्लाह ताला के वो एहसासात, वो जज्बात नहीं होते जो एक इंसान को होते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि अगर अल्लाह ताला एक ऐसी औरत को मौत देता है जिसके 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मतलब कि आपका कोई दुश्मन भी हो और आप उसके बारे में भी ये बात नहीं करेंगे, तो अल्लाह ताला के जज्बात और एहसासात इंसानों वाले नहीं होते। बाकी बहुत ही इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो थी। मुझे आज की वीडियो में इतना ही था, मुझे इजाज़त दें, दोबारा मुलाकात होगी एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।